लेबर कोर्ट में अपना केस फंसा हुआ 6 महीने हो गए और केस चलते चलते 3 साल हो गए। श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है हर जगह से। वर्कर की जान की कोई वैल्यू नहीं समझते हैं लोग आजकल। क्या नाम है आपका? नाम भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, किसके बैनर तले आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हम क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं आप? ये वो है, लाइफ लॉन्ग करके कंपनी है गुड़गांव धारूहेड़ा में, उसमें बॉयलर फटने से कुछ मजदूरों की मौत हो गई, तो हम उनके समर्थन में वो ज्ञापन देने आए हैं DC जी को। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि जो मृतक हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला जाए और जो घायल हैं उनको 50 लाख मिले जाए और मालिकों को गिरफ्तार किया जाए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। नहीं, अगर हम बात करें फरीदाबाद की भी, दारूहेड़ा की बात करें, तो फरीदाबाद में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इलीगल तरीके से चल रही हैं, उन पर क्या कहोगे? बिल्कुल जी, कार्रवाई सब पे ही होनी चाहिए, क्योंकि हम भी मजदूर हैं और हम खुद भुक्तभोगी हैं। हम लखानी से हमारा केस चल रहा है, 3 साल हो गए, हमारे पास अभी तक खुद पैसे नहीं दिए, और इसी ऑफिस में DC साहब के हम कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं और अभी तक हमारे को कोई मुआवजा नहीं मिला, जबकि ऑर्डर कॉपी होने के बावजूद भी हमारे को कोई मुआवजा नहीं दिया। DC साहब बोलने आर ओ को लिखा, आर ओ साहब पटवारी को लिखा, उसके बावजूद भी कोई हमारी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, मतलब श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है हर जगह से। कंपनियों में लापरवाही बहुत है, मालिक लोग सोचते नहीं है कि कोई चीज़ पुरानी होगी तो उसे बदलें, वो चलती रहती है और जब कांड हो जाता है तो उसके बाद फिर चुपचाप छुप जाते हैं। अगर हम बात करें, अरे कंपनी में आग लगी थी वहाँ पे 16 मार्च को, बॉलर फटा था वहाँ पे, तो मजदूर तो हम भी हैं, उनके भाई लोग। कल को हमारी कंपनी में भी ऐसी होगा फरीदाबाद में, इसलिए हमें जागरूक करना है कि हमारी कंपनी मालिकों को ये चीज़ें, हमें सुविधाएं देनी चाहिए वर्कर को। वर्कर की जान की कोई वैल्यू नहीं समझते हैं लोग आजकल। मुझे मुआवजा नहीं मिला अभी कुछ नहीं, उनके मुआवजा कर इलाज भी नहीं हो रहा उनका, तो मालिक तो नजर ही नहीं आ रहा, सामने ही नहीं आ रहा हो, तो और कंपनी चला रखी है। तो आज उनके साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम ये मजदूर क्रांति मजदूर दल के नेतृत्व में आए हैं यहाँ पे, हम लखानी के मजदूर हैं, हमारा भी केस है यहाँ पे फंसा हुआ, हमें लेबर कोर्ट में अपना केस फंसा हुआ 6 महीने हो गए और केस चलते चलते 3 साल हो गए। अच्छा, हम यहाँ कई बार आ चुके हैं सर। अच्छा, ये सरकार बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम नरेश है और हम लोग ये तमाम फरीदाबाद के अलग अलग फैक्ट्रियों से, कारखानों से लोग आए हुए हैं और धारूहेड़ा में एक फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ है, बॉयलर फटने के कारण दर्जनों मजदूर मारे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में मजदूर घायल हैं, उन तमाम लोगों को लेकर हम ये बात शासन प्रशासन को ज्ञापन देने आए हैं कि जो हालात धारूहेड़ा की फैक्ट्री में थे वही हालात फरीदाबाद के तमाम कारखानों में हैं, नोएडा के तमाम कारखानों में, गाजियाबाद के तमाम कारखानों में, दिल्ली से रोज़ आग लगने की घटनाओं की खबर आती है, फरीदाबाद में रोज़ मजदूरों के हाथ पैर कटने की घटनाओं की खबर आती है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि शासन प्रशासन ने जो सुरक्षा के उपाय फैक्ट्रियों में होने चाहिए उसकी जो जाँच पड़ताल की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी जो देख रेख की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको सरकार ने पूरी तरह उससे आँख बंद कर लिया और कोई जाँच पड़ताल की व्यवस्था, कोई देख रेख की व्यवस्था नहीं बची है। ऐसे में ही इस वजह से ही घटनाएं हो रही हैं। अभी जनवरी माह में नरेंद्रा पॉलीमर्स नाम की फैक्ट्री में, जो यहाँ के नरेंद्र गुप्ता की फैक्ट्री है, उसमें आग लगी, तमाम मजदूर घायल हुए। नरेंद्र गुप्ता यहाँ के विधायक हैं और उनकी फैक्ट्री थी नरेंद्रा पॉलीमर्स, जिसमें आग लगी और तमाम मजदूर घायल हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि फैक्ट्री मालिक अपने मुनाफे के हवस में फैक्ट्री में जो श्रम कानून लागू होने चाहिए, जो सुरक्षा के उपाय लागू होने चाहिए, उनके अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए, खर्च को कम करने के लिए वो लागू नहीं करते हैं और मजदूरों की जान कीड़े मकोड़ों की तरह जा रही है। ये इस विकसित भारत के लिए, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक बात है और शासन प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम फैक्ट्रियों में वाजिब देख रेख की व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अगर हम बात करें धारूहेड़ा के मजदूरों की, तो क्या मांगे आपकी, क्या मांग चाहते हैं आप उनके लिए? हम चाहते हैं कि धारूहेड़ा में जो मृत मजदूर हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और तमाम घायलों को उचित इलाज की व्यवस्था की जाए और उन्हें भी 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि तमाम फैक्ट्रियों में जाँच पड़ताल शासन प्रशासन द्वारा करवाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके, ये हमारी बात है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? देखिए, सरकार अगर बातें नहीं मानती है तो अभी हमारी स्थिति यह है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, ये लोकतंत्र हमें आवाज़ लगाने की, आवाज़ उठाने की सिर्फ हुक्म देता है और हमें अधिकार देता है। हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी मंशा नहीं है हमारी, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है कि हम कोई तोड़ फोड़ या ऐसा वो करें, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर शासन प्रशासन चेतेगा नहीं
तो लाखों करोड़ों की मजदूरों के आबादी वाला ये शहर निश्चित तौर पे कोई अफरा तफरी मच सकती है, मजदूर बगावत पे आ सकते हैं और तमाम इस हालात में मजदूर दूसरे राष्ट्रों पे भी जा सकते हैं, जो शासन प्रशासन के लिए एक बुरी बात साबित होगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उससे पहले सरकार चेते और मजदूरों की जो हत्याएं हैं, जो मुनाफे के लालच में उनकी हत्याएं की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए।